नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 6 अगस्त 2019, समय 3:25:40 हो रहे हैं। मार्केट अभी ओपन है, तो यहां पर हम लोग अपना स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। जो स्टॉक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर देता हूँ, जो लाइव मार्केट में देता हूँ, एक दिन पहले देता हूँ, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आपके लिए, कैसा रिजल्ट रहा, उसको यहाँ पर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक मैंने यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ था वोल्टास का। ये 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम कर दूं। वोल्टास को बाय करना था दोस्तों 606 रुपए के ऊपर, रूल के हिसाब से 606 रुपए के ऊपर। ये पहली कैंडल है ना, और वोल्टास का जो टारगेट था 610 था। तो शुरू के 5 मिनट में ही वोल्टास ने क्या किया कि 610 की तरफ हाई लगा दिया, ठीक है, 609 रुपया 55 पैसे का। यानी हमारा रूल क्या होता है कि अगर आप लोग नए व्यूअर है तो कोई बात नहीं, पुराने व्यूअर जानते हैं कि अगर शुरू के फर्स्ट 5 मिनट में जिस तरफ का पहला टारगेट अचीव हो जाता है, फिर हम लोग उस तरफ ट्रेड नहीं करते हैं, फिर अपोजिट साइड ट्रेड करते हैं, यानी सेल साइड में। तो अभी अगर हमारा 5 मिनट में पहला टारगेट 610 आ गया लगभग, तो हमें उस तरफ ट्रेड नहीं करना था, सेल के साइड में हमें दिमाग लगाना था 596 के नीचे, यानी 596 के नीचे। लेकिन 596 को इसने आज ब्रेक नहीं किया। अब वापस से देखिए, स्टॉक्स जब दोबारा से 606 को ब्रेक करेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। तो देखिए, 606 को वापस से यहाँ पर अगर आपने लिया तो ठीक है, अदरवाइज 606 को वापस से अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो देखिए क्या जबरदस्त तरीके से मूवमेंट ऊपर की साइड में दे रहा है, यानी 606 रुपए को वापस से ऊपर निकल रहा है। तो देखिए, पहला टारगेट 610 जो कि आराम से यहाँ पे अचीव हो गया, दूसरा टारगेट था, थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, बादल गरज रहा है, दूसरा टारगेट था 614, वो भी अचीव हो गया आपको, और 618 वो भी अचीव हो गया, सारे टारगेट आपको आराम से अचीव हो गया, यानी ऊपर की साइड में अच्छा पोजीशन आपको वोल्टास ने प्रॉफिट दिया। दूसरा स्टॉक था दोस्तों हिंद यूनिलीवर का। तो देखिए, हिंद यूनिलीवर का पहली कैंडल ये है, बाय करना था दोस्तों 1746 के ऊपर और सेल करना था 1737 के नीचे। स्टॉक्स देखिए बिल्कुल 1737 के नीचे ही ओपन होता है शुरू के 5 मिनट में, और लो जो लगाता है इसने, लो लगा दिया है यहाँ पर 1727 के का लो लगा दिया, और हमारा जो पहला टारगेट था 1729 था, यानी शुरू के 5 मिनट में इसने फर्स्ट टारगेट को अचीव कर दिया। तो अब हमें सेल का पहला टारगेट को अचीव कर दिया, तो अब हमें उस तरफ नहीं करना है, ऑर्डर नहीं लेना है सेल साइड में, अब हमें कहाँ इसके अपोजिट करना है, बाय साइड में, यानी 1746 के ऊपर जब निकलेगा तो बाय करेंगे, जो मैंने बाय दिया होता 1746, और ये कहीं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, 1746, और ये कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ है 10:55 पे। स्टॉप लॉस 1738 रुपए का था, तो देखते हैं क्या स्टॉप लॉस कट गया, नहीं कटा, 1738 रुपए का स्टॉप लॉस बच गया, स्टॉप लॉस हमारा। और इस कंडीशन में दोस्तों, जो पहला टारगेट था वो था 1754 रुपए का, जो कि आपको यहाँ पे स्टॉक ने अचीव करके दिया, दूसरा टारगेट था 1762 रुपए का, तो 62 रुपए तक तो ये नहीं जा पाया, 1760 तक का हाई लगाया, यानी लगभग एक टारगेट से ज्यादा का ऊपर में हिंद यूनिलीवर ने आपको दिया। वोल्टास में तीनों टारगेट अचीव हुए, हिंद यूनिलीवर में एक टारगेट से ज्यादा अचीव हुआ। तीसरा स्टॉक था दोस्तों मेरा इस कंडीशन में हेक्सावेयर का। देखिए, हेक्सावेयर को भी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। हेक्सावेयर को बाय करना था दोस्तों 356 के ऊपर, ठीक है, ये है पहली कैंडिडेट, ठीक है, 356 के ऊपर बाय करना था। शुरू के 5 मिनट को छोड़ दे तो स्टॉक 356 यहाँ से निकलता है, सेकेंड कैंडल से 5 मिनट के इग्नोर करने के बाद। उसके बाद पहला टारगेट 359 का था, जो कि आपको यहाँ आराम से अचीव हो गया, दूसरा टारगेट 362 का था, जो कि लगभग आपको यहाँ पे आराम से अचीव हो गया। दो टारगेट हेक्सावेयर ने भी आपको आराम से बाय साइड कर दिया, यानी वोल्टास में तीन टारगेट अचीव, हिंद यूनिलीवर में एक टारगेट से ज्यादा का अचीव हुआ, हेक्सावेयर में दो टारगेट अचीव हो गए। अब आते हैं जो लाइव मार्केट में मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टाइटन को 1027 के ऊपर बाय दिया था, स्टॉप लॉस 1021, टारगेट 1033 और 139। तो देखिए कितना बजे, 9:28 पे टाइटन, 9:28 पे हमने आपको दिया है दोस्तों, 9:28 ये पहले 9:28 कहाँ गया हमारा, 35 यहाँ पे है ना, 9:28, तो हमने बाय करने के लिए दिया था 9:28 पे, कितना के ऊपर बाय करने दिया था, 1027 के ऊपर स्टॉप लॉस दिया था 1021 का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने 9:28 पे दिया और पहला टारगेट था 935 का ना, 933 का,
1033 का, सॉरी, तो 1033 का इसने देके हाई लगा दिया, यानी एक टारगेट आराम से इसने अचीव करके तुरंत से दे दिया। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बुक करवा दिया, अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बुक प्रॉफिट सम प्रॉफिट इन टाइटन आराम से आपको हुआ। माइंड ट्री SL 710 का था, इसमें आपका SL कट चुका है, बैंक निफ्टी को मैंने इग्नोर करवा दिया था। ओवरऑल आज का मार्केट में यही था, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था। हाँ, मार्केट वन साइडेड हुआ लगभग 1:30 बजे, 2 बजे के बाद वन साइडेड हुआ, जब ऊपर की तरफ रफ्तार 11,000 के लेवल को टच किया वापस से, तो उसके बाद एक मूवमेंट आया। लेकिन खैर, इस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में जितना जल्दी आप एग्जिट कर जाएं प्रॉफिट लेके वो ज्यादा बेस्ट है। तो यही था दोस्तों मेरा ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।